नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का सबसे लोकप्रिय चैनल लाइव उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्वेता वर्मा। 8 मार्च को होने वाले विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड के डीएम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से एक नई पहल लागू होने वाली है। इस पहल को बेटी सम्मान का नाम दिया गया है। इस पहल में एक दिन के लिए हर सरकारी विभाग में एक एक छात्रा सहायक अधिकारी की भूमिका में होंगी। अधिकारी के साथ रहकर वे लोगों की समस्याएं सुनेंगी। इसके साथ ही वह लोग सरकारी सिस्टम को भी जान सकेंगी। डीएम श्रीवास्तव ने सभी विभागों को 7 मार्च को इस कार्यक्रम के संचालन के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम के अधिकारी के समक्ष एक कुर्सी लगाई जाएगी जिसमें चयनित छात्रा को बैठाया जाएगा। छात्रा भी संबंधित विभाग की फाइलों के संबंध में जानकारी ले सकेंगी। कर्मचारियों को छात्रा के सवालों का उचित जवाब देना होगा। कुल 40 कार्यालयों के लिए 40 छात्राओं का चयन किया गया है। कॉलेज व यूनिवर्सिटी के नाम इस प्रकार हैं: MKB PG कॉलेज, DAV PG कॉलेज, DPS कॉलेज, CGM विलफील्ड स्कूल, GGICS राजपुर, दून यूनिवर्सिटी और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। MKB PG कॉलेज शगुन कटियार, निकिता कनौजिया, रवीना रावत, मालती नौटियाल, आभा पिमोली, रोमा अग्रवाल, अंकिता जगुड़ी, स्वर्णिमा सजवाड़, उत्कर्षी रावत, प्रियल ध्यानी, मोहनी रावत, ये छात्राएं इस कॉलेज से हैं। बाकी DAV PG कॉलेज से पायल सिंह, दिविक्षा पाल, वैशाली मैठाणी, हिमानी राणा, अंजलि पवार, वृक्षा राधिका, सपना चौहान, आकृति बिस्ट, अनुष्का मैमून जहरा। और DBS कॉलेज से ये छात्राएं हैं: हर्षिता प्रजापति, अमीशा नेगी, शगुफ्ता नमिता नौटियाल, रेखा भट्ट, मिस्टी चौधरी, दीपशी थापा, आरती मंडल। दून यूनिवर्सिटी से ये छात्राएं हैं: रिशा रियाल, DPS कॉलेज से वनीशा रावत और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से शीतल मेंगवाल। उत्तराखंड के बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें लाइव उत्तराखंड।